सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम राष्ट्रभाषा है। आज हम इसमें पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवार। सर्वप्रथम आप एक पुस्तिका लेंगे और उस पुस्तिका में आप आ रही रवि की सवारी पूरी कविता लिखेंगे और इस कविता के शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने से और शब्दार्थ को स्मरण करने से आपको कविता बहुत सरलता से समझ आ जाएगी और आप जब मैं ये कविता आपको समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी, आप एक हाथ में पेंसिल रखेंगे ताकि आप कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे और रेखांकित करके उनका अर्थ किताब में ही लिखेंगे। तो सर्वप्रथम आपका कार्य यही होगा कि आप इस कविता को अपनी पुस्तिका पे लिखें और साथ में इसके शब्दार्थ लिखें। आज हम पढ़ेंगे आ रही रवि की सवारी, जिसका अर्थ है जब सूर्य उगता है, या रवि यानी कि सूर्य, जब सूर्य सुबह में आता है, जब सूर्य का आगमन होता है तो वह किस प्रकार लगता है, प्रकृति किस प्रकार परिवर्तित होती है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते हैं। इस कविता में रवि का अर्थ है सूर्य, और कविता में ही नहीं रवि का अर्थ सूर्य ही होता है, रवि का पर्यायवाची सूर्य होगा। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्य का मनमोहक वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने प्रातः यानी कि सुबह जब सूर्य निकलता है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि ने सूर्य को महाराजा की उपाधि देकर उसके अनुचर रथ तथा पथ का भी प्रबंध किया है। कवि ने सूर्य को महाराजा अर्थात सबसे बड़ी उपाधि यानी कि सबसे बड़ा स्थान दिया है। इस कविता के माध्यम से उनके सेवक रथ और पथ का भी प्रबंध किया है। यही नहीं, रात का राजा चंद्रमा भी उसके सामने भिखारी बना खड़ा है। कवि कहते हैं रात का राजा चंद्रमा है, जिस प्रकार सूर्य का दिन का राजा सुबह का राजा रवि है, ठीक उसी प्रकार रात का राजा चंद्रमा है, परंतु उसे भी सूर्य के आगे भिखारी कह दिया है। कवि कहते हैं रात के अंधेरे के बाद जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो आकाश से लेकर धरती तक दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। सूर्य की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। सारी प्रकृति सूर्य के इस आगमन को अपने अपने ढंग से स्वागत करने लगती है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में प्रकृति की परिवर्तनशीलता को चित्रित किया है। आ रही रवि की सवारी यानी आ रही सूर्य की सवारी, जब सूर्य सुबह 5 बजे उगता है तो वो किस प्रकार आता है, उसी के बारे में कवि ने कहा है। नव किरण का रथ सजा है नई किरणों से, नव यानी कि नई किरणों से रथ सजा है, नव को आप रेखांकित करेंगे, नव नई किरणों से रथ पूरा सजा है। जिस प्रकार सूर्य आ रहा है तो किस तरह से सारा वातावरण सजा हुआ है उसी का वर्णन किया है। कली कुसुम, कली यानी कि फूल का छोटा रूप जो बचपन का रूप होता है, और कुसुम यानी कि फूल, फूल से रस सारा का सारा जो पथ है रास्ता है वो सजा हुआ है। फूल उग गए हैं यानी कि रात में जो पुष्प सो जाते हैं सुबह सूर्य उगने के साथ वे फिर से खिल उठते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, यानी बादलों की भी कल्पना की गई है अनुचर से यानी कि सेवकों से, कि बादल भी बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, सुनहरे लगने लगते हैं, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो बादलों का रंग सुनहरा हो जाता है। तो ठीक उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि बादल भी सेवक की भांति खड़े हैं, उनकी जो पोशाक है उनका जो रंग है वो सुनहरा हो गया है। आ रही रवि की सवारी यानी सूर्य की सवारी आ रही है। जब सूर्य उदय होता है, कवि कह रहे हैं कि सूर्य के आगमन का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत करते हुए कवि इस पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं सूर्योदय होता है, सूर्य उगता है ऐसा प्रतीत होता है।
जैसे सूर्य अपनी नई किरणों के रथ पर सवार होकर चले आ रहे हैं। कली और पुष्प से पूरा रास्ता सजाया गया है। बादल मानो सूर्य के स्वागत के लिए रंगीन सुनहरी पोशाक पहनकर खड़े हुए हैं। पक्षी विहग बंदी और चारण, यानी विहग का अर्थ है पक्षी, विहग को आप रेखांकित करेंगे। बंदी और चारण यानी कि बंदी और चारण राजा और बड़े लोगों के लिए, गाना गाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बंदी और चारण कहा जाता है। यानी पक्षी बंदी और चारण सब गाना गा रहे हैं। जब सूर्य आ रहा है तब सब गाना गा रहे हैं। पक्षी गाना गा रहे हैं का अर्थ ये हुआ कि पक्षी भी उठ गए हैं, जो रात में सो गए थे अब वे उठ गए हैं और वे चहचहा रहे हैं। तो उसी को कहा गया है कीर्ति गायन, यानी उनके यश का, सूर्य के यश का के बारे में गाना गा रहे हैं कि सूर्य आ गया है, वह खुश हो गए हैं और वह चहचहा रहे हैं और वह चहचहाकर उन लोगों को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी तक सोए हुए हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं कि अब तो सूर्य आ गया है, सूर्य आ चुका है। जो तारों की फौज है, तारों की फौज से अर्थ है तारकों को रेखांकित करके, तारे लिखिए आप, तारों की जो फौज है यानी आसमान में रात के समय अत्यधिक तारे होते हैं, वह जो तारे हैं वह सब अब जा चुके हैं क्योंकि सूर्य आ गया है। तो कवि कह रहे हैं कि जो तारे हैं वह भी मैदान छोड़कर भाग गए क्योंकि आ रही रवि की सवारी, क्योंकि अब सूर्य की सवारी आ चुकी है। यहाँ पर कवि ने सूर्य, इन पंक्तियों में कवि ने सूर्य की प्रशंसा का वर्णन किया। प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर विजयी होकर आया है और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण और बंदीगण उसकी प्रशंसा में कीर्ति के गीत गा रहे हैं, यानी कि यश के गीत गा रहे हैं। चाहता उछलू विजय कहकर, इन पंक्ति में कवि कह रहे हैं मैं चाहता हूँ, कवि चाह रहे हैं कि मैं उछलू, मैं कूदू, मैं कहूँ कि मेरी विजय हो गई, सूर्य आ गया और सूर्य जीत गया। पर ठिठकता देख कर यह, पर मैं ठिठक जाता हूँ, मैं सहम जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। रात का राजा खड़ा है क्योंकि रात का, जिस प्रकार दिन का राजा सूर्य है, रात का राजा खड़ा है। रात का राजा कौन हुआ? रात का राजा चंद्रमा है। वो रास्ते में खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, उसकी तुलना एक भिखारी से की है। जिस तरह सूर्य का राजा, जिस तरह दिन का राजा सूर्य है, ठीक उसी प्रकार रात का राजा चंद्रमा है और वह रास्ते में खड़ा है। वह एक तरह से भिखारी बनकर खड़ा है क्योंकि अब दिन जब बीतेगा तो रात आएगी और रात में सूर्य की जगह अब चंद्रमा निकलेगा। तो वह खड़ा हुआ है, आ रही रवि की सवारी और रवि की सवारी आ रही है और जब दिन बीत जाएगा तो रात आ जाएगी। तो कवि ने यहाँ बताया है कि यह परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है कि कभी सूर्य आता है, कभी चंद्रमा आता है। कवि कहना चाहते हैं कि परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार रात के कालिमा से भरे अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार दिन में सूर्य निकलता है, रात में चंद्रमा राजा बनकर खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह ये संसार भी परिवर्तन है और हर तरह के परिवर्तन के लिए हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हम ये अपनी कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। यह कविता आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और इसके साथ आप शब्दार्थ लिखेंगे और आपको कोई सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।